ईमानदारी सबसे अधिक अच्छी नीति है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि और नीतियां हैं ही क्या, इट शुड बी द ओनली पॉलिसी, ये केवल मात्र एक नीति है। कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, छोटी सी एक कुटिया में रहते थे। इस देश के प्रधानमंत्री, एक विदेशी व्यक्ति आया, उसने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है, कौन से महल में रहता है? उनके साथ महल नहीं, वो तो नगर की सीमा के पास एक कुटिया में रहते हैं। वो मिलने के लिए गया कौटिल्य से। कौटिल्य उस समय कुछ सरकारी काम कर रहे थे, एक लालटेन थी, दीपक जल रहा था, शाम का वक्त था। कौटिल्य ने उसका स्वागत किया और उस लालटेन को बुझा दिया और नई लालटेन जलाई। उसे कहा, आपने क्या किया? उसे कहा, यह लालटेन सरकारी तेल से जल रही थी, अब आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आए हैं तो ये मेरा व्यक्तिगत तेल है जो जलेगा। ये हमारी परंपरा है, एक से एक महान ऐसे व्यक्ति, चाहे वो अशोक हो, चाहे वो हर्ष हो, ऐसे सैकड़ों हजारों हमारे नेता हैं जिन्होंने जिंदगी में ईमानदारी से जी करके इस देश की सेवा की, समाज की सेवा की, मानवता की सेवा की। हमारा विश्वास कुछ डगमगा सा गया है। हम सोचते हैं कि ईमानदारी से फायदा नहीं है, नुकसान है। ये गलत है, ईमानदारी से ही फायदा है। केवल यह मत मानिए कि ईमानदारी पैसों की होती है। हां, पैसों की होती है। आज से 2000 साल पहले बहुत महान एक संत थे, तिरुवल्लुवर, उन्होंने कहा था पैसा कमाना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलती है, परिवार का पोषण होता है, मानव सेवा कर सकता है धन से, पर ईमानदारी से कमाना चाहिए। इसलिए शुभ लाभ को महत्व दिया जाता है। जेआरडी टाटा, भारत रत्न, एक बार अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठे हुए थे। बहुत बड़ी रकम थी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब कह रहे थे हमारी बच सकती है यदि हम इसको इस ढंग से पेश करें। टैक्सेशन का मामला होता है ना, टाटा ने पूछा क्या ये लीगल है, कानून के अंतर्गत सही है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा सही है। फिर उन्होंने पूछा क्या यह नैतिक है? चार्टर्ड अकाउंटेंट चुप हो गया। टाटा ने कहा नहीं, हमें ऐसी हजारों करोड़ रुपए की कोई भी इनकम नहीं चाहिए जो नैतिक ना हो। नैतिकता केवल एक ईमानदारी की परिभाषा लिए हुए जो धन से संबंधित है वो नहीं है। इसका सांगोपांग अर्थ है, हम अपने शरीर के प्रति ईमानदार रहें, मस्तिष्क के प्रति भी, अच्छे विचारों के माध्यम से। गलत विचार ना आने दें, हमें अपनी प्रकृति पर नियंत्रण करना है, वो भी ईमानदारी है। खुश रहना ईमानदारी है, क्रोध ना करना भी ईमानदारी है, मां बाप की सेवा भी ईमानदारी है, पति पत्नी के बीच में निष्ठा का संबंध भी ईमानदारी है, बच्चों के प्रति प्रेम भी ईमानदारी है, वादे पूरे करना भी ईमानदारी है, देश सेवा भी ईमानदारी है। ईमानदारी है इंसान को अपनी आत्मा के अनुसार काम करना, ईमान। और आत्मा के अनुसार काम करने वाला व्यक्ति कई बार भौतिक आकर्षणों के वशीभूत नहीं होता, अलग रास्ता अपनाता है, वो भीड़ का अंग नहीं होता, वो जो सही है वो करता है। What is right will be done by him or her and will not be tempted by worldly attractions। ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन में कुछ सिद्धांतों का बचपन से ही पालन किया। गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के गुरु, बहुत छोटे थे, क्लास में एक सवाल का जवाब दिया, लिखकर लाए थे, और वही एक व्यक्ति था, बच्चा था, जिसने वो सवाल सही किया था। टीचर ने कहा तालियां बजाओ, सबने तालियां बजाई। गोपाल कृष्ण गोखले रोने लगे, क्या क्या बात हो गई, तालियां बज रही तुम्हारे लिए? उसने कहा यह सवाल मैंने नहीं किया था, मेरे पिताजी ने किया था, इसलिए तालियां गलत हैं। माय गॉड, व्हाट अ लेवल ऑफ ऑनेस्टी, जो चीज मेरी नहीं है वो मैं नहीं अपनाऊंगा। क्या लाभ है, इज्जत मिलती है, ईश्वर की निगाहों में अच्छे बनते हैं, मां बाप की निगाहों में अच्छे बनते हैं, खुद की निगाहों में अच्छे बनते हैं, खुद और खुदा। हमारे बच्चों को गर्व होता है, देश को गर्व होता है, संस्थाएं सच्ची बनती हैं, संस्थाएं सच्ची बनती हैं, समाज में परिवर्तन आता है, विश्वास पैदा होता है हमारे प्रति, लोग हम पर भरोसा करते हैं। ऐसी सुंदर एकता आती है, सौम्यता आती है, निष्ठा आती है, विश्वास आता है।
के जीवन में सुख और शांति मिलती है। मत मानिए कि ईमानदारी की कीमत कम है, इससे अधिक किसी चीज की है ही नहीं। हम उनका सम्मान करते हैं दिल से जो ईमानदार हैं, नैतिक हैं, उच्च चरित्र के हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अजीम प्रेम जी, नारायण मूर्ति, रतन टाटा जैसे लोग हों, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल जैसे लोग हों, जो ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। हमें भी बनना है, उस रास्ते पर चलना है जो दुर्गम लगता है पर सहज है, सबसे आसान है, क्योंकि हम अपनी रोशनी से खुद ही अपना रास्ता रोशन करते हैं। ईमानदारी पर प्रश्न मत उठाइए, क्योंकि आप भी ईमानदार हैं और बने रहेंगे। एक बार राजस्थान के भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी श्री मोहन मुखर्जी से मैंने पूछा, सब ईमानदारी और बेईमानी में क्या फर्क है? वो बोले, जो चीज तुम अपनी मां से ना कह सको कि मां मैं ये करके आया हूं, वो करना मत। मैंने कहा, और अपनी बेटी से ना कह सके तो? सही कह रहे हो, जो चीज कहने लायक नहीं है वो करने लायक भी नहीं है। ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति ईमानदारी का दर्शन अपने जीवन में आत्मसात करता है, और यही ईमानदारी है। नमस्कार।